सुहेल अहमद साहब जी साडे पाकिस्तान दे लाड़े ने दुले ने अल्लाह उन्हां नूं सलामत रखे। बस वो थिएटर तो नाराज़ होकर चले गए ने। थिएटर नूं उन्हां दी सख्त जरूरत उन्होंने वापस आना चाहिए। सरदार कमाल का एक नाम बच गया, वो कौन सा ड्रामा सी जी? मेरी जिंदगी एक तो होया सी गोरी धरती काले लोग, तारजीव साहब दे डायरेक्टर सन, मेरे उस्ताद भी सन, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह दवे, उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। ड्रामा उदों भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो ड्रामा अज भी अच्छा ही हो रहा है। उदों टिकट हैगी सी 300 की, अज टिकट हैगी 5000 की। वशिष्ठ साहब कर रहे गैर सियासी थिएटर के नाम तो, और हजे तो PSL का शो चल रहा उन्होंने, लग पता जाएगा। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और वशिष्ठ साहब बड़े नफीस इंसान ने, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी उन्होंने मुलाकात होगी। सारपुर आ रहे हैं, खुल डुल के आ रहे हैं, तो इस तरह मेरा ख्याल क्या है, साड़ा अमृतसर वाला बार्डर भी खुल जाना चाहिए। जो मिलना चाहते हैं तो सू उन्होंने मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल कि फिल्म इजाजत भी दी जाए, पंजाब की फिल्म तो इजाजत दो ना जी। जे करतारपुर राहदारी खोली है तो पंजाब की राहदारी भी खोल दो। असलाम अलैकुम सज्जनों, बेलियो तो मित्रो जोंदे ते वसदे रहो जनाब। तुसी वेख रहे हो अपना पंजाबी चैनल ABHD TV ते सत बिस्मिल्ला जी आया नू। ते जनाब अगर साडा चैनल पसंद आए ते इनू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ते जनाब सानू फॉलो करो। ABHD TV फेसबुक, ABHD TV ट्विटर, ABHD TV इंस्टाग्राम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन एक दफा फिर तुहाडी खिदमत च हाजिर है, तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABHD TV दी तरफों। तो नाज़रीन अज जिहड़े साडे नाल मेहमान ने मेरे बहुत ही सीनियर साडे, बल्कि बहुत सारे दोस्तों के सीनियर, चूंकि अज असीं बहुत सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हाँ, लेकिन मैं जरूरी समझिया कि मैं सब तो पहले उन्होंने इंटरव्यू करा, वो 5-4-10 मिनट जिहड़े भी मेरे चैनल नूं दे देण, ते उन्हां दी मेहरबानी, उन्होंने मैनूं टाइम दिता है। तो शहर फैसला मन तलक है, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट ने बहुत सारे चैनलों में वेख्या, बहुत सारे वीडियो, फिर तुसीं उन्होंने फिल्मों च सुपर हिट करैक्टर च बतौर हीरो देखा है जी। मेरे कहने तो मुराद एक कॉमेडियन आर्टिस्ट एक्टर करैक्टर सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब साढ़े ना मौजूद ने, आओ गल करने सरदार कमाल साहब ना। तो जी नाज़रीन आओ गल करने सरदार कमाल साहब ना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम सरदार साहब, की हाल? मैं ठीक हूँ, ठीक हो? साढ़े नाज़रीन ने दसो कि तुसी अपने फन का आवाज कि मैं जी तकरीबन 84 च फैसलाबाद तो मस्ताना सा। सुभान अल्लाह। ते किस तरह जोग पैदा होया? वैसे ते चाल तो तुसी गुजर हो जी, ते किस तरह मतलब इस काम दे विच स्टेज दे विच शौक इस तरह जी? वो मुनव्वर साहब नूं देख के, मुनव्वर अज़ीज साहब नूं, उन्होंने देहांत नूं कोई खुश होंदे सन, तो मैं कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए उस बंदे देहांत कोई लोग खुश हो, तो कोशिश कर रहे हैं कि साडे अंत लोग खुश हो। तो सरदार साहब स्टेज पर तुम कर रहे हो, लेकिन तुम फिल्म के एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के कमेडियन की कमी को पूरा किया, तो फिर क्यों तुम उतों हाथ चुक लिया है? नहीं मेरा ख्याल हाथ नहीं चुके, फिल्म बन नहीं रही पंजाब से, फिल्म नहीं बन रही, फिल्म मेरा कराची शिफ्ट हो गई, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं गए तो फिर दोबारा से फिल्म शुरू होगी, तो फिर कम करेंगे, अरे कम हो नहीं रहा। अच्छा जी, तो सरदार साहब जो मौजूदा स्टेज है ये बारे की कहोगे? जो तुम आए सो जो ड्रामा तारक जुवेद साहब वाला से, मैं एक टाइम वेख्या तो फैसलाबाद जो कुबाल स्टेडियम ड्रामा हों, तो पूरे रोड से लाइटिंग लगी होंगी सी, तो पता लगता है कि इतने ड्रामा तारक जुवेद साहब का मतलब ड्रामा हो रहा है, वो ड्रामे के इन्ने के जड़े ने वो जशन होंगे सन, तो अज इतने ड्रामा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो म्यार उ ही है या फर्क है? मेरे ख्याल के ड्रामा उदों भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो ड्रामा अज भी अच्छा ही हो रहा है। उदो टिकट हैगी 300 की, अज टिकट हैगी 5000 की, तो इतों अंदाजा लाया जा सकता है कि भी ड्रामा कि महंगा हो गया और कि अच्छा हो गया। ठीक है, लेकिन दिन ब दिन थिएटर जोड़े ने वध रहे हैं, पब्लिक घट रही है। नहीं मेरे ख्याल कि ज़्यादा लोड नहीं पाना चाहिए, एक जिमें गुजरांवाला सिटी है, ये 3-4 थिएटर होने चाहिए, हूँ इतने 12 थिएटर ने, तो 12 थिएटर होंगे तो जाहिर है कि पब्लिक डिवाइड हो जाएगी, तो फिर इस तरह वो कम भी कोई सेहतमंद नहीं होगा,
थिएटर को 4-5-6 थिएटर मेरा ख्याल गुजरा ने लिखा फिर। अच्छा थोड़ा जहा साडे नाज़रीन नाल शेयर करो कि सरदार कमाल आउंदे ही सरदार कमाल सुपरस्टार बन गया या सरदार कमाल साहब नूं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पई वो कोई मुश्किलात दा दौर जिहड़ा जरा वो स्ट्रगल तो जी हुण इस लम्हे तक भी हुण भी मेरी स्ट्रगल जारी तुहाडी किसे गल दा सही जवाब दे सकां स्ट्रगल ही हुंदी है तो स्ट्रगल कभी खत्म फनकार स्टार बहुत मुश्किल हुंदा फनकार की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं जिहड़ा अपने आप नूं कंप्लीट समझ लवे मेरा ख्याल फनकार ने शायद नहीं बिल्कुल इस तरह ही है लेकिन वो मुश्किलात का दौर स्टार्ट जो जाहिर है जाहिर हर बंदे होंगे ने जी मैंने भी उस तरह मुश्किल पेश आई ने फैमिली वालों फिर इस काम इस फील्ड मुश्किल तो हर रोज पेश आते हैं लेकिन उन्होंने फेस करना है निकलना उसका तो अजक तुम कि शो कर रहे हो टी वी नहीं टी वी तो मेरा कोई शो नहीं चल रहा दुआ कर रहा इंशाल्लाह शायद अंतरे किसी टी वी चला जावा लेकिन अभी फिर वक्त पा रहे सियासी थिएटर दोबारा सुने शुरू तो हो रहे आप टी वी तो वसी शाह साहब कर रहे हैं जी वसी शाह साहब कर रहे गैर सियासी थिएटर के नाम तो और हजे तो पी एस एल का शो चल रहा ना उन्होंने लग पता जाएगा बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और वसी शाह साहब बड़े नफीस इंसान ने तो इन शाला तला बड़ी जल्दी उन्होंने मुलाकात होगी सी तो तुम एक दौर ज गालबन एक दो अपनी जाति फिल्म भी बनाई है तो अच्छे फिल्म तो कम कर रहे हो मैं इंडिया की फिल्म लिख रहा जी पंजाब ली एक लिखी कंप्लीट हो गई अगो दो तीन मेरा फिल्म कम जा रही लिख रहा लेकिन जरा तजर्बा चल मेरे पोता ला वो पाकिस्तान चो नहीं लगी लेकिन फिल्म नो बड़ी पजीर आई क्योंकि एक जड़ी मुश्तरका कास्ट है पंजाब इंडिया की और पंजाब पाकिस्तान की और कोई तुम कोई यहोजा प्लैन कर रहे हो या तुम्हें भी कोई ऑफर है जी मेरे ख्याल के पंजाब का दिल तो साढ़े खुला है साडा दिल भी उन्होंने खुला है राह भी खुलिया ने साडे दिल की सफाई का सबूत है कि असं करतारपुर खोल दिता तो करतारपुर वो आ रहे हैं खुल डुल के आ रहे हैं तो इस तरह मेरा ख्याल क्या सा अमृतसर वाला बार्डर भी खुल जाना चाहिए जो मिलना चाहते हैं तो सू उन्होंने मिलना चाहिए तो मेरा ख्याल कि फिल्म इजाजत भी दी जाए पंजाब की फिल्म तो इजाजत दो ना जो करतारपुर राहदारी खोली है तो पंजाब की राहदारी भी खोल दो जी मैं तो बिल्कुल करतारपुर पिछे एक प्रोग्राम करके आया तो मैं यही किया सी मैं भी असी तो तुहाडे वास्ते राह खोल दिता कि साडे वास्ते भी उत्थे मुकामी लोग जज्बा रखते हैं कि साडे वास्ते भी राह खोल दिता जाए नहीं उन्होंने दिल च साडे लई बड़ा मुहब्बत है बड़ा जज्बा है उन्होंने मैं तो एक पिक्चर करके भी आया इत्थे पंजाब जाके तो बड़ी मुहब्बत करते हैं बड़ा प्यार करते हैं वो इंज ही लगता जिवें तुसीं अपने नानके हल चले गए हो जां दादके हल चले गए बिल्कुल इंज ही लगता बड़े चंगे लोग ने बड़ा पंजाबी बड़ी मिठी जबान है जी बड़ी मोहब्बत वाली जबान है तो अच्छा जी अजकल ड्रामा कितने हो रहे हैं मेरा जी अल्फला अल्फला और अर्शद चौधरी साहब की प्रोडक्शन अल्फला तुम कंटिन्यू कर रहे हो अज मैं उत्थे कर रहा जी ठीक है महफूज अच्छी जगह है अर्शद चौधरी साहब अच्छे इंसान ने उन्होंने दिल लगा है तो तुम जो तारक साहब के शागिर्द होए हो हिट केड़ा ड्रामा जिहड़ा तुहाडा वो सुपर हिट ड्रामा जिहदे तो तुहानूं शोहरत मिली सरदार कमाल दा एक नाम वज गया वो केड़ा ड्रामा सी जी मेरी जिंदगी च एक ते होया सी गोरी धरती काले लोग तारक जी सब दे डायरैक्टर सन मेरे उस्ताद भी सन अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए गोरी धरती काले लोग पूरे पंजाब च होया सी जी पूरे पंजाब च मतलब गुजराले भी इत्थे तीन जगह ते कीता सी गुजराले मेरे कोल 6-7 मिंट गुजराले चल गए सी तो वो बड़ी पजीरा मिली फिर उस तो बाद सईद अफसाना में साहब का चरम जिंदगी मैंने शाह तो उसे ड्रामा लगता साढ़ा साल नहीं दो साल नहीं जी जी वो तो मेरा 10 साल जो 3 ड्रामे अल्लाह ने और सारे तुसे कीते जी कीते और ये फजाल साहब को जो आर्टिस्ट काम करता सी वो बिल्कुल इस तरह ही सीमरा खाले दो ऐसा यूनिवर्सिटियां वैसे तो सारे सीनियर अच्छे ने लेकिन सहेल अहमद साहब और सईद फजाल अहमद वो बड़ी चुन के टीम जी मतलब वो बनाते सन और वर्सटाइल आर्टिस्ट जोड़े ने उन्होंने चॉइस करते सन सुहेल अहमद साहब जी साढ़े पाकिस्तान के लाड़े ने दुले ने अल्लाह उन्होंने सलामत रखे बस वो थिएटर तो नाराज होकर चले गए ने थिएटर में उन्होंने सख्त जरूरत उन्होंने वापस आना चाहिए जी असं भी ये कहने कि उन्होंने वापस आना चाहिए और वाकई उन्होंने थिएटर जोड़ा बड़ा उन्होंने थिएटर में म्यार दिता फैमिली खास तौर पर जी मतलब अज जी मैं बहुत सारे शहरों से मैं पता चलिया है कि केबल तो सिर्फ उस सहेल अहमद के ड्रामे लाने की इजाजत है जी बिल्कुल इस तरह ही जी
सुहेल साहब एक जमानत के तौर पर सुहेल साहब और फैमिली देख सकती ड्रामा जमानत है सुहेल साहब। सरदार साहब अमानुल्लाह साहब वास्ते की कहोगे, एक ऐसा अजीम शख्स, एक ऐसा अजीम आर्टिस्ट जो शायद अगलिया सदियों भी पैदा ना हो, उन्होंने वास्ते की कहोगे? अमानुल्लाह साहब जिंदा ने अपने चार साढ़े दिल एक सदी का ना है अमानुल्लाह, ऐसे फनकार बार बार नहीं आते। तो अजकल एक डायलॉग चल रहा है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, वो ठीक है या गलत है? पहले बंदा जिसम वेले फिर मर्जी कर। थैंक यू। तो जी नाजरन तुम सुनिया सरदार कमाल साहब दी गल्लां। एक्चुअल साडा चुके शो वे, मैं भी शो ही करन आया हाँ, लेकिन वह कि असी इतने एक शो कर रहे हैं निजी शो वे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट कम से कम इतने असं भी तो पंजी लोग हाँ, मतलब जिद हनी अलबेला, सलीम अलबेला, चांद बराल, बप्पू राणा, अल्लाह तुहाडा पला करे, सगावत नाज, ताहर नुशाद साहब, भाई हसन मुराद, लक्की डियर, विकी कौडू, अमजद राणा, गोशी खां, तो शाजम मिर्जा साहब, तो बहुत सारे आर्ट ऐसे आर्टिस्ट जिन्हों का नाम मनु शायद मिस भी हो गया हो, बहुत एक्टर दी जिथे भरमार है, तो लेकिन साढ़े ना मौजूद सन सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब की गलबात तुसी सुनी, इहदा मैनू रिप्लाई देना इंशाल्लाह। तुसी मैनू अपने कमेंट्स दिया करो ताकि मैं मजीद फिर दोबारा जिहड़ी नवीं वीडियो बना सकां, तो मेरे इस वीडियो नू लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों तक पहुँचाना। चलदे चलदे प्यारे देश देना एक प्यारा जिहा नारा, मेरा साथ देना, पाकिस्तान जिंदाबाद। असलाम अलैकुम सज्जनों, बेलियो तो मित्रों, जोंदे ते वसदे रहो जनाब, तुसी वेख रहे हो अपना पंजाबी चैनल ए बी एच डी टीवी। ते सत बिस्मिल्ला जी आया नू, ते जनाब अगर साडा चैनल पसंद आए ते इनू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ते जनाब सानू फॉलो करो ए बी एच डी टीवी फेसबुक, ए बी एच डी टीवी ट्विटर, ए बी एच डी टीवी इंस्टाग्राम।